ग्रुप 17, इसमें होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनिसिन। इन्हें हम हेलोजेंस बोलते हैं। हेलो का मतलब सॉल्ट होता है, जीन का मतलब बॉन्ड होता है। ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। एस्टेटीन और टेनिसिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। जो फ्लोराइड्स हैं वो हमें मिलते हैं फ्लोरोस्पार लाइक CaF2, क्रायोलाइट Na3AlF6, फ्लोरोएपेटाइट Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2, कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2O। टेनिसिन जो है वो एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 117 है, मास नंबर 294 है। इसकी हाफ लाइफ मिली सेकेंड्स है। सी वाटर में मेनली NaCl होता है 2.5% बाय मास। जो क्लोरीन होती है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। द कलर्स आर फ्लोरीन इज़ येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेड, आयोडीन वॉयलेट। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस हैं, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड। सारे हेलोजेंस कलर्ड होते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन द अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोकार्बन टू गिव द कलर्ड सॉल्यूशंस। फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से ज़्यादा, बिकॉज इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है और लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द FF बॉन्ड। सारे हेलोजेंस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन +1, +3, +5, +7 भी शो करते हैं। कुछ ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और +6 भी शो होती है। फ्लोरीन के पास कोई भी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसलिए वो अपना एक्सपेंड नहीं कर सकता ऑक्टेट। इसके पास सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जो रिएक्टिविटी होती है हेलोजेंस की वो नीचे जाते हुए डिक्रीज होती है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन है। ये सभी हेलाइड आयंस को ऑक्सीडाइज कर देता है इवन इन द सॉलिड फेज। डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हेलोजन्स का हमें पता चलता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख के। जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर को ऑक्सीजन, वाटर टू ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। इनफैक्ट आयोडीन कैन बी ऑक्सीडाइज बाई ऑक्सीजन इन द एसिडिक मीडियम। जो फ्लोरीन होता है उसके पास लो FF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो लिक्विड होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है HOF। इसका स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज एनोमेलस होती हैं। आयनिक कोवलेंट रेडियस, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होती है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे। जो मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड होते हैं जो हेलोजन बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ वो अनस्टेबल होते हैं। फ्लोरीन दो ऑक्साइड्स फॉर्म करता है OF2, O2F2। हाउएवर ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल एट द 298 केल्विन। दो ऑक्साइड बनाता है OF2, O2F2, बट स्टेबल है OF2। ये सिर्फ ऑक्सीजन फ्लोराइड्स होते हैं, ये ऑक्साइड्स नहीं होते बिकॉज फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। O2F2 ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम टू PuF6 एंड द रिएक्शन इज यूज इन रिमूविंग द प्लूटोनियम एज PuF6 फ्रॉम द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। O2F2 ऑक्सीडाइज करता है प्लूटोनियम को PuF6 में, जो कि यूज होता है रिमूविंग प्लूटोनियम एज PuF6 फ्रॉम द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करती है फ्रॉम आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। सबसे ज़्यादा आयोडीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। नेक्स्ट, हायर स्टेबिलिटी ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन इज ड्यू टू द ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, इन केस ऑफ क्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द क्लोरीन एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, दिस इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रोमीन लैक बोथ द प्रॉपर्टीज, हेंस स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन इज लीस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, CLO2 इज यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर द पेपर, पल्प, टेक्सटाइल्स एंड इन वाटर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, क्लोरीन के ऑक्साइड हैं Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और एक्सप्लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, I2O5 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसे एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में यूज़ किया जाता है I2O5 को। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रोमीन के ऑक्साइड हैं Br2O, BrO2, BrO3। ये बहुत कम स्टेबल हैं, इसे मिडल रो एनोमली कहते हैं। ये लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, हेलाइड इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कोवेलेंट। नेक्स्ट पॉइंट, जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं एक्स एक्स डैश, इसमें एक्स जो होता है वो बड़े वाला होता है और एक्स डैश छोटे वाला। फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सारे हेलोजन्स के पास डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए वो अपने ऑक्टेट्स को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरीन डिस्कवर की थी स्केल ने इन 1774 बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2। नेक्स्ट, इन 1810 डेवी ने एलिमेंट्री नेचर को सजेस्ट किया था एंड क्लोरीन को कलर के बेसिस पे बताया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके प्रिपरेशन मेथड हैं MnO2 प्लस HCl फॉर्म MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। नेक्स्ट, इसमें हम मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ भी बना सकते हैं इन प्लेस ऑफ HCl। तो बनेगा NaCl प्लस MnO2 प्लस H2SO4 गिव्स MnCl2 प्लस NaHSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। नेक्स्ट, बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 प्लस HCl फॉर्म KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन। नेक्स्ट पॉइंट, बीकन प्रोसेस, इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं CuCl2 एट 723 केल्विन। इसमें रिएक्शन होती है HCl प्लस O2 गिव Cl2 प्लस वाटर। इसमें कैटलिस्ट यूज़ हुआ है CuCl2 एट 723 केल्विन। नेक्स्ट पॉइंट, इसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस से। ब्राइन होता है कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज़, ये ग्रीनिश येलो गैस है, पंजेंट ऑर्डर है, सफोकेटिंग ऑर्डर है, 2 to 5 टाइम्स हैवियर देन द एयर, इट कैन बी लिक्विफाइड ईजिली, बॉयल्स एट 239 केल्विन, इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, इट हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। ये जब NaOH के साथ रिएक्ट करती है कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ तो फॉर्म करती है NaOCl, और जब हॉट एंड कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्ट करती है तो फॉर्म करती है NaClO3। जो कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है वो है CaOCl2.Cl2.CaOH2 वाटर। क्लोरीन सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट देता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ और एडिशन प्रोडक्ट देता है अनसैचुरेटेड के साथ। सब्सटीट्यूशन सैचुरेटेड, एडिशन अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेज इट्स येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोक्लोरस एसिड दैट इज HOCl सो फॉर्म गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एंड द ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लोरीन। ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ द क्लोरीन इज परमानेंट, द ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, इट इवन ब्लीचेस वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प विच इज़ यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ पेपर एंड रेयन। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम। नेक्स्ट पॉइंट, डाइज, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज CCl4, CHCl3, DDT, रेफ्रिजरेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, इन स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट, इन द प्रिपरेशन ऑफ द पॉइजनस गैसेज लाइक फॉस्टीन COCl2, टीयर गैस CCl3 NO2। नेक्स्ट, मस्टर्ड गैस ClCH2CH2SCH2CH2Cl। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, ग्लोबर ने प्रिपेयर किया था इसे इन 1648 बाई हीटिंग द कॉमन सॉल्ट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, डेवी इन 1810 शो दैट इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट, HCl गैस को हम ड्राई कर सकते हैं बाई पासिंग इट थ्रू द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये कलरलेस है, पंजेंट स्मेलिंग गैस है, इट इज़ ईजिली लिक्विफाइड टू द कलरलेस लिक्विड, इट इज़ एक्सट्रीमली सॉल्यूबल इन वाटर, इट फ्रीजेस टू अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव्स वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl व्हेन इट रिएक्ट्स विद द NH3। नेक्स्ट पॉइंट, एक्वा रेजिया इज HCl3HNO3 1। इट इज़ यूज इन डिजॉल्विंग द नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस, इट इज़ यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ क्लोरीन NH4Cl ग्लूकोज फ्रॉम द कॉर्न स्टार्च। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम द बोन्स एंड प्योरीफाइंग द बोन ब्लैक, इट इज़ यूज इन मेडिसिन एंड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। नेक्स्ट, फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है जिसका नाम है HOF, दैट इज़ अ फ्लोरिक एसिड और द हाइपोफ्लोरस एसिड। फ्लोरिक एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ देम के नॉट बी आइसोलेटेड इन द प्योर स्टेट, दे आर स्टेबल ओनली इन द एक्वस सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ दर सॉल्ट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सो एसिड्स। याद रखें एसिडिक नेचर HClO4 का सबसे ज़्यादा, फिर HClO3 एंड सो ऑन, एंड ऐसे ही HClO3 का ज़्यादा, फिर HBrO3 का, फिर HIO3 का। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बिल्कुल एसिडिक स्ट्रेंथ की तरह ही है। नोट, HClO हाइपोक्लोरस, HClO2 क्लोरस, HClO3 क्लोरिक,
HClO4 परक्लोरिक। नेक्स्ट इंटरहेलोजन कंपाउंड्स, जब एक्स बाय एक्स डैश का रेशियो बढ़ता है तो नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल भी बढ़ते हैं। IF7 के लिए सबसे ज़्यादा रेशियो होता है, इसलिए इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। सारे इंटरहेलोजन कंपाउंड्स कोवेलेंट हैं, सारे डायमैग्नेटिक हैं, वोलेटाइल सॉलिड्स या लिक्विड्स हैं एक्सेप्ट CLF जो कि एक गैस है। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हेलोजन्स की प्रॉपर्टीज़ के बीच में होती हैं, एक्सेप्ट दैट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इंटरहेलोजन कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलोजन से एक्सेप्ट द फ्लोरीन, क्योंकि XX- बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है XX बॉन्ड से, इसलिए वो जल्दी रिएक्ट कर लेंगे। ये जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हैलाइड आयन देते हैं और एक स्मॉलर हैलोजन जो कि स्मॉलर हैलोजन से मिलता है, और हाइपोहैलाइट जब XX- है हैलाइट XX3 हैलेट XX5 पर हैलेट XX7 ये जो है ये एनायन डिराइड होते हैं लार्जर हैलोजन से। नेक्स्ट यूजेस, दीज कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट दीज आर वेरी यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। नेक्स्ट CLF3 BrF3 आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ UF6 इन द एनरिचमेंट ऑफ U235। द रिएक्शन इज U plus CLF3 फॉर्म्स UF6 plus CLF5। नेक्स्ट IF इज डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली। नेक्स्ट I2Cl6 एग्जिस्ट एज डाइमर। नेक्स्ट BrF3 की शेप होती है स्लाइटली बेंट, इसमें दो लोन पेयर विल ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजिशन टू मिनिमाइज द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जो कि ज़्यादा होते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन से।